हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को मदन महल साइड का फ्लाईओवर कितना बना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रानीताल से लेकर दमोनाका तक का पूरा फ्लाईओवर कितना बना है, कैसा क्या काम चल रहा है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को मध्य प्रदेश सेंटर के सबसे बड़े फ्लाईओवर का पूरा नजारा। दोस्तों ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, ये कछपुरा रोड है और ये जाती है सीधे रानीताल चौराहा। दोस्तों ये जो कछपुरा साइड जो ब्रिज जाएगा ना, यहाँ का काम तो सही बताऊं ना ढप्पी पड़ा हुआ है काफी दिन से। और दोस्तों जो भी काम चल रहा है वो चल रहा है ज्यादातर रानीताल चौराहे में, काफी काम हो चुका है। दोस्तों अभी वहीं का नजारा दिखाने वाला हूं आप लोगों को, रानीताल चौराहे का बहुत ज्यादा काम हो गया दोस्तों, क्योंकि मैं भी इस रोड से आया था तो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी यहां का नजारा दिखा दूं। और दोस्तों ये राइट साइड में जो देख रहे हैं ना, कछपुरा रोड वाला ब्रिज है और यहां पे आप देख सकते हैं, वैसे तो आज संडे है शायद इसलिए काम बंद हो। दोस्तों रानीताल चौराहे का काम हुआ तो ब्रिज यहां से रानीताल चौराहे में जुड़ जाएगा कछपुरा वाला। और दोस्तों वैसे तो आप लोग खुद देख सकते हैं राइट साइड में कितना क्या काम हो गया है ब्रिज का, पूरा नजारा मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। और रानीताल चौराहा तो यहां से ही नजर आने लगा है, रानीताल चौराहे का ब्रिज यहीं से दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग सामने। अभी मैं दिखाता हूं वहां का नजारा, बहुत ज्यादा काम हो गया रानीताल चौराहे। और दोस्तों वैसे तो यहां की सिंगल रोड ही चालू है और यहां पे ट्रैफिक इसलिए कम है दोस्तों क्योंकि आज है संडे और संडे को सब निकलेंगे रात में बाहर, और वैसे भी इस रोड से लोग इसलिए कम आते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि यहां ट्रैफिक लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, काफी हद तक व्यवस्था कर दी गई है लोगों को आने जाने के लिए। दोस्तों ये आ गया है रानीताल चौराहा, देख सकते हैं आप लोग, ये चीज दोस्तों पहले नहीं बनी थी, ऊपर जो आप देख रहे हैं ना लोहे का पूरा, ये अभी अभी काम हुआ है इसका, अभी काफी दिन बाद भी मैं साइड आया हूँ। तो ये देख लीजिए कुछ ऐसा नजारा है रानीताल चौराहे का। दोस्तों अब चलते हैं दमोनाका तक का पूरा नजारा दिखाऊंगा आप लोगों को, ब्रिज का कितना बना है, कैसा काम चल रहा है। दोस्तों ये दमोनाका रोड में घुस चुके हैं हम, पूरा दमोनाका चौराहे तक चलेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ की भी एक सिंगल रोड ही चालू है। और दोस्तों यहीं पे लेफ्ट साइड में रानीताल स्टेडियम पड़ता है, शायद सुनने में आया आज हमारे कोई सेलिब्रिटी आए हैं रवि किशन जी, फिलहाल रवि किशन जी को छोड़िए वो तो आते जाते रहेंगे, फिलहाल हम देखते हैं अपना फ्लाईओवर। दोस्तों ये फ्लाईओवर यहीं से दिख रहा है बलदेव बाग तक, पूरा सीधा सीधा दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों रानीताल से बलदेव बाग तक के और आगे तक काम हो गया है ब्रिज का, मैं आपको बताऊं तो ये देख लो, अभी तो आगा चौक आने वाले हैं, फिलहाल अभी यहाँ से आगा चौक पड़ेगा, फिर उसके बाद बलदेव बाग चौराहा पड़ेगा और यहाँ की सीमेंटेड रोड बन गई है, देख सकते हैं बिल्कुल शानदार। दोस्तों एक गड्ढा तक नहीं मिला मुझे यहाँ पे इस रोड में, ऐसी ही रोड बनेगी लेफ्ट साइड। और तो और दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक अब कभी नहीं लगेगा क्योंकि रोडें इतनी चौड़ी है और जिनको साइड जाना है दमोनाका उतरना है तो फ्लाईओवर में चढ़ के सीधे दमोनाका में एंट्री कर सकते हैं, इंटर मतलब लैंड। वैसे दोस्तों यहाँ पे रोड में कार चलाने में ना मुझे सही में बहुत ही मजा आ रहा है, यहाँ का ब्रिज देखो पूरा कंप्लीट है, ऊपर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग ऊपर का पूरा ब्रिज कंप्लीट। वैसे तो एक सिंगल रोड चालू है इसलिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो लगेगा ही, अब आप सोचिए सिंगल रोड में इतना कम ट्रैफिक है तो दोनों रोड चालू हो जाएंगी तो ट्रैफिक का नामो निशान ही नहीं रहेगा। दोस्तों अब ये लेफ्ट साइड की रोड बनना बाकी है दोस्तों, अभी राइट साइड में काम चल रहा है, राइट साइड की वहाँ की रोडें बंद करके रख दी गई है, वहाँ की रोड बन जाएगी तो फिर यहाँ लेफ्ट साइड की खोल दी जाएगी। तो मतलब सिस्टमैटिक ढंग से काम चल रहा है पूरा का पूरा फ्लाईओवर का ताकि ट्रैफिक ना लगे। एक समय में दोस्तों काफी दिक्कत हुई थी लोगों को जब शुरुआत हुई थी फ्लाईओवर बनने की, तब तो काफी दिक्कत हुई थी क्योंकि कई जगह की रोड पूरी खुदी हुई थी, तोड़ा ताड़ी चल रही थी कई जगह पर। बस यह है कुछ लोगों की दोस्तों गलती की वजह से ट्रैफिक लग जाता है क्योंकि कई लोग हैं ना जिनसे, कई लोगों से तो कार भी चलाते नहीं बनती, बीच रोड में धीरे धीरे चलते हैं, पीछे लग जाता है ट्रैफिक जाम। तो दोस्तों ये आगा चौक तो निकल गया, बलदेव बाग चौराहा आने वाला है देख सकते हैं। और दोस्तों ये बलदेव बाग चौराहा आ ही चुका है और बलदेव बाग चौराहे में कोई भी उतरने का सिस्टम नहीं बनाया है फ्लाईओवर ने, सीधे आप दमोनाका ही उतरेंगे। हो सकता है दोस्तों बाद में बन जाए क्योंकि वैसा तो ऐसा कुछ नजारा दिख नहीं रहा है क्योंकि बलदेव बाग में कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है कि आपको बलदेव बाग आना हो रानीताल से तो ब्रिज के ऊपर से चढ़ के उतर जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीधे दमोनाका में ही उतरना पड़ेगा। दोस्तों ये आगा चौक के जस्ट आगे भी आ गए हैं हम, देख सकते हैं मतलब रानीताल से आगा चौक के आगे तक पूरा ब्रिज कहाँ तक बन गया है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड की रोडें चालू हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड रोड बनने का काम शुरू नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द दोस्तों हो जाएगा। देखिए संडे के कारण पूरी रोड खाली और फ्लाईओवर देखिए कहाँ तक बन चुका है ऊपर का। तो दोस्तों आगे है दमोनाका चौराहा और ये फ्लाईओवर बन चुका है बलदेव बाग से दमोनाका के जस्ट सेंटर तक ही बन चुका है शायद, ये देखो ये दिख रहा है, ये हल्की सी जो टर्निंग है दोस्तों राइट साइड की, ये देख सकते हैं यहाँ तक लेंटर डल चुका है फ्लाईओवर का और यहाँ पे ये मशीन लगी है, आगे पिल्लर गड़े हैं पूरे दमोनाका के जस्ट पहले तक और फिर लेंटर डालने की तैयारी यहाँ पे चलेगी।
दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता ब्रिज कब तक तैयार होगा, क्योंकि डेट बढ़ती जाती है आगे। लेकिन मैं अपना बताऊं तो मेरे ख्याल से ना ये जो साल चल रहा है 2023 2024 तक ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहीं से ही नजर आने लगा दमोनाका चौराहा, आगे देख सकते हैं आप ब्लू कलर का बोर्ड नजर आ रहा है दमोनाका चौराहे में जो लगा हुआ है, और दमोनाका चौराहे के जस्ट पहले का ये नजारा है। और देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार यहाँ पे पिल्लर का काम चल रहा है, जो बड़े बड़े पिल्लरों के ऊपर ब्रिज खड़ा होगा ना उसका काम चल रहा है। यहाँ पे तो कई जगह पिल्लर भी कम्प्लीट नहीं हुए देख सकते हैं आप लोग, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे भी शुरुआत हो जाएगी। शायद चौराहे बनने में बहुत टाइम लग रहा है, जैसे मदन महल चौराहा इतना बड़ा, सबसे बड़ा चौराहा मदन महल का है, और रानीताल चौराहा सेकंड नंबर पे आएगा, इनमें लग रहा है काफी ज्यादा टाइम। तो यहाँ पे तो इतना टाइम नहीं लगने वाला, दोनों चौराहे कंप्लीट हुए ना तो ब्रिज बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो ये देख सकते हैं आगे दमोनाका का चौराहा आ गया, जो कि बहुत ही शानदार बन चुका है दमोनाका चौराहा भी। चलिए दोस्तों यहीं से हम राइट ले लेंगे, आगे ये दिख रहा सामने दमोनाका का चौराहा, हमें वहाँ कोई काम भी नहीं, और आप देख सकते हैं आगे कुछ पिल्लर भी नहीं लगे हैं। तो यहीं से लेते हैं राइट टर्न और वीडियो करते हैं एंड। दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, और हो सकता है जल्दी से जल्दी मैं इस वीडियो को अपलोड करके आप लोगों के लिए डाल दूं। वीडियो पसंद आते हैं एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद।